किसान भाइयों और बहनों नमस्कार। आज हम किसान संचार की ओर से आपको चारे वाली फसलों की जानकारी दे रहे हैं, जिसमें आज हम आपको चारे के लिए ज्वार की खेती कैसे करें इसकी जानकारी देंगे। तो ज्वार जो है वो खरीफ की सबसे महत्वपूर्ण चारे वाली फसल है, जो सभी तरह की मिट्टियों में उगाई जा सकती है। यह पोषक तत्वों से भरपूर और स्वादिष्ट चारा है, जिसे जानवरों को हरा या सुखा कर और इसके अलावा साइलेज बनाकर भी खिलाया जा सकता है। ज्वार की दो फसलें बोई जा सकती हैं, एक तो गर्मी में मार्च अप्रैल तक और बरसात में जो है जून जुलाई तक। मार्च के अंत में सूडान घास की बिजाई भी संभव है, जिसकी कटाई नवंबर के अंत तक ली जा सकती है। इस प्रकार चारे की कमी के दिनों में या ये कहिए कि मई जून और अक्टूबर नवंबर में ज्वार हरा चारा देती है। HCN की विषाक्तता के से बचने के लिए इसे जून जुलाई में ही बोएं और सूडान घास को इससे पहले यानी मार्च के अंत में बोएं। अब हम चारे वाले ज्वार की किस्मों की बात करते हैं। तो पहली किस्म है इसमें हरियाणा शेरी नंबर 136, जिसे HC136 भी कहते हैं। तो ये हरियाणा के सभी सिंचित क्षेत्रों के लिए सिफारिश की गई है। यह दो कटाई वाली लंबी मीठी रसदार और मध्यम आकार के तने वाली किस्म है। इसके पत्ते काफ़ी लंबे और चौड़े होते हैं, जो पकने तक हरे रहते हैं। हरे चारे की औसत पैदावार जो है इस किस्म से वो करीब 200 से 220 क्विंटल प्रति एकड़ मिलती है, और दाने की पैदावार जो 4 से 5 क्विंटल प्रति एकड़ मिल जाती है। इसका दाना सफ़ेद रंग का होता है और काफ़ी मोटा होता है। दूसरी किस्म है हरियाणा चरी 171, जिसे HC171 भी कहते हैं। ये एक मध्यम ऊंचाई वाली मीठी और चौड़ी पत्ती वाली किस्म है। ये भी विभिन्न प्रकार की पत्तियों की बीमारियों के लिए रोगरोधी है तथा उत्तम गुण वाली फसल है। यह किस्म लगभग 200 क्विंटल हरा चारा प्रति एकड़ और 65 से 70 क्विंटल सूखा चारा प्रति एकड़ दे देती है। इसके दाने लगभग 5 क्विंटल प्रति एकड़ मिल जाते हैं, जिनका आकार छोटा होता है और रंग में मटमैले और सफ़ेद होते हैं। ये किस्म जो है माइट के लिए अवरोधी है तथा 110 से 112 दिन में पककर तैयार हो जाती है। इसके बाद आती है स्वीट सूडान घास 59-3, जिसे SSG 59-3 के नाम से पुकारते हैं। ये हरियाणा के सिंचित और मैदानी क्षेत्रों के लिए सिफारिश की गई है। ये मीठी और अच्छे गुणों वाली किस्म है, जिससे हरा चारा लंबे अरसे तक मिलता रहता है। विशेषकर जब दूसरे चारों की कमी रहती है तब इसका चारा पर उपलब्ध होता है। इस किस्म से मई से नवंबर तक 3 से 5 कटाइयाँ ली जा सकती हैं, और जिससे 300 क्विंटल प्रति एकड़ पैदावार हरे चारे की मिल जाती है। एक और किस्म है हरियाणा चरी 308 या HC308। इस किस्म की सिफारिश हरियाणा राज्य में बिजाई के लिए की गई है। यह लंबी रसदार और पत्तेदार किस्म है। यह पत्तों के लाल धब्बा रोग से मुक्त है और इसकी गुणवत्ता भी बहुत अच्छी है। इसकी जो हरे चारे की पैदावार है 215 क्विंटल प्रति एकड़ और सूखे चारे की पैदावार जो 70 क्विंटल प्रति एकड़ मिलती है। इसके पकने में लगभग 115 दिन लग जाते हैं और ये 6 क्विंटल तक इसके जो दाने की उपज प्रति वो एकड़ मिलती है। ये किस्म भविष्य में किसानों के लिए बीज की उपलब्धता की समस्या को दूर करने में सक्षम है। एक और किस्म है हरियाणा ज्वार 513 HJ513। ये ज्वार की एक दोहरे उपयोग वाली फसल किस्म है, जिससे हरा चारा और दाना दोनों ही पर्याप्त मात्रा मिलते हैं। इस किस्म की जो है 2006 में हरियाणा राज्य में खेती के लिए सिफारिश की गई थी। ये कड़वी के लिए बहुत उपयोगी किस्म है। इसके पत्ते चौड़े और लंबे हैं। यह किस्म लंबी बढ़ती है, जिसकी हरे चारे की पैदावार 500 से लेकर 525 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। सूखे चारे की पैदावार जो है वो 175 से 180 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, और इससे जो है 18 से 20 क्विंटल जो है दाना प्रति हेक्टेयर मिल जाता है। इसके सिक्के लंबे, दाने मोटे और क्रीम रंग के होते हैं। कम धुरिन, अधिक प्रोटीन और अधिक पाचनशील शुष्क पदार्थ होने के कारण इसकी गुणवत्ता जो है बहुत अच्छी रहती है।
और यह किस्म गिरने के भी प्रतिरोधी है। ये पकने तक हरी रहती है और पत्तों के रोगों और कीड़ों के प्रति ये काफी प्रतिरोधी है। इसकी जो हम खेती की बात करते हैं, भूमि और खेत की तैयारी की, तो ज्वार की खेती वैसे तो सभी प्रकार की भूमि में की जा सकती है, परंतु अच्छे जल निकास वाली भारी दोमट मिट्टी इसके लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। खरपतवार नष्ट करने तथा फसल की अच्छी पैदा बढ़वार के लिए खेत को खूब अच्छी तरह तैयार करना चाहिए। सिंचित इलाकों में मिट्टी पलटने वाले हल से एक जुताई और उसके बाद देसी हल से दो जुताइयां करके जो आर पार की जुताइयां हों बिजाई से पहले अवश्य कर देनी चाहिए। ज्वार के बोने के समय की बात करते हैं, तो ज्वार की गर्मी की फसल 20 मार्च से 10 अप्रैल तक और मानसून की फसल जो है वो मानसून में पहला मौका मिलते ही बो देनी चाहिए। आमतौर पर 26 जून से 10 जुलाई तक का समय बरसात की फसल के लिए ठीक रहता है। सूडान घास को मार्च के अंत में लगाएं तो ज्यादा उत्पादन होता है। अब इसके बीज की मात्रा और बोने का ढंग जो है उसके बारे में बताते हैं। बीज को बिखेर कर ना बोएं। ज्वार के लिए 20 से 24 किलोग्राम और सुगान घास के लिए जो है 12 से 14 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ के हिसाब से पर्याप्त रहता है। और ज्वार की बिजाई जो है 25 सेंटीमीटर के लाइनों की फांस कतारों में बोनी चाहिए और इसकी बिजाई जो है ड्रिल या कोड़े की मदद से करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहता है। ज्वार में खाद कितना दें, तो इस बारे में बात करते हैं। कम वर्षा वाले और बारानी इलाकों में जो है बिजाई के समय 20 किलोग्राम नाइट्रोजन जो 43.5 किलोग्राम यूरिया से मिल जाती है प्रति एकड़ दें। सारी खाद बिजाई से पहले कतारों में ड्रिल करें। अधिक वर्षा वाले या सिंचित इलाकों में 20 किलोग्राम नाइट्रोजन जो 43.5 किलोग्राम यूरिया से मिलती है प्रति एकड़ बिजाई के समय और 10 किलोग्राम नाइट्रोजन जो 22 किलोग्राम यूरिया से मिलेगी ये प्रति एकड़ बिजाई के 1 महीने बाद डालें। सूडान घास के लिए हर कटाई के बाद 10 किलोग्राम नाइट्रोजन यानी 22 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ देना चाहिए। रेतीली व फास्फोरस की कमी वाली जमीन में 6 किलोग्राम फास्फोरस जो 40 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फोरस से मिल जाता है ये भी प्रति एकड़ बिजाई के समय डाल देनी चाहिए। ज्वार की फसल में जो निराई गुड़ाई करना भी बहुत फायदे की बात है, तो उगने के 15-20 दिन बाद एक बार गुड़ाई करना बहुत ठीक रहता है। अगेती फसल जो मार्च जून में बोई गई हो इसके लिए जो है लगभग 5 सिंचाई करें। 1 से 2 सिंचाई वर्षा के अनुसार जून जुलाई में बोई जाने वाली फसल के लिए जरूरी है। ज्वार में खरपतवार की रोकथाम के लिए बिजाई से 7 से 15 दिन के अंदर अंदर जो है 200 ग्राम एट्राजीन 50% घुलनशील पाउडर को 250 लीटर पानी मिलाकर छिड़क दें। ऐसा करके खरपतवारों को आप काफी हद तक रोक सकते हैं। इसके बाद बात आती है हानिकारक कीड़ों की, तो ज्वार की फसल को गोब छेदक मक्खी शुरू शुरू में 1 महीने पुरानी फसल पर तथा तना छेदक और टिड्डे जो हैं वो पूरे वृद्धि काल तथा छोटी सिट्टे की मक्खी जो है सिट्टे निकलने की अवस्था में बहुत हानि पहुंचाती है। अब इसमें जो गोब छेदक मक्खी है तो ये कीट फसल को मार्च से मध्य मई और मध्य जुलाई से सितंबर तक हानि पहुंचाता है। इसलिए फसल को मध्य मई से लेकर जून तक बो दें। बीज की 10% अधिक मात्रा का इसमें इस्तेमाल करें। अब तना छेदक इसका जो कीट है उसके बारे में बताते हैं, तो ये ज्वार की फसल का मुख्य हानिकारक कीड़ा है। इसका आक्रमण फसल उगने के 15 दिन बाद शुरू हो जाता है। छोटी फसल में पौधों की गोब सूख जाती है। बड़े पौधों में इसकी सुंडी या तने में सुराग बनाकर फसल की पैदावार और गुण को काफी हद तक कम कर देती हैं। ज्वार की फसल कटने के बाद खेतों को अच्छी तरह से जोत दें, तो ऐसा करने से इसके जो प्यूपा वगैरह हैं वो धूप से जल जाते हैं या उन्हें पक्षी खा जाते हैं और पौधों की बची जड़ों को भी इसमें नष्ट कर देना चाहिए। इस कीड़े की रोकथाम के लिए 400 ग्राम कार्बेरिल 50% घुलनशील पाउडर को 200 लीटर पानी मिलाकर एक एकड़ फसल पर बिजाई के 20 दिन बाद 10 दिन के अंतर पर दो छिड़काव करें तो इसका काफी नियंत्रण हो जाता है। अब इसमें एक जो कीड़ा है कीट है वो है टिड्डा, जो कभी कभी जो है बहुत ज्यादा नुकसान करता है। तो टिड्डे की विभिन्न प्रजातियों में से फड़का
जिसे हेरोग्लाई फस नाइग्रो रेप्टेलिस कहते हैं, फसल को छोटी अवस्था में से लेकर पूरे वृद्धि काल तक हानि पहुंचाता है। शिशु और प्रौढ़ पत्तों को किनारों से खाते हैं, जिससे कि भारी प्रकोप की अवस्था में केवल पत्तों की मध्य सिराएं बचती हैं और कभी कभी तो केवल पत्ता पतला तना ही रह जाता है। फसल छोटी रह जाती है। बढ़वार के रुकने की अवस्था में कभी कभी दाने नहीं बनते। फसल पर इन कीड़ों की संख्या बहुत होती है, जिससे मलमूत्र की बहुतायत के कारण फफूंद आ जाती है और प्रकोपित फसल चारे के योग्य नहीं रहती। इसी कीड़े की एक और प्रजाति हीरोग्लाइफस बनीइन भी है, जिसके शिशु और प्रौढ़ हरे रंग के होते हैं, परंतु इनकी संख्या पहली प्रजाति के अपेक्षा काफी कम रहती है। इस कीड़े का प्रकोप जो है दक्षिण हरियाणा में बहुत पाया जाता है, जो कि अन्य क्षेत्रों में बढ़ रहा है। ज्वार के अतिरिक्त ये कीड़ा गन्ने की फसल में भारी नुकसान पहुंचाता है। मक्का, बाजरा और धान की फसलों में भी इसका नुकसान देखा गया है। ज्वार में इस कीड़े की रोकथाम के लिए 500 मिलीलीटर मेलाथियन 50 सीसी को या 750 ग्राम कार्बोरिल 50% WP का छिड़काव जो है वो 250 लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड़ करना चाहिए। अब बात करते हैं हम ज्वार में लगने वाली बीमारियों की। तो इसमें पहली बीमारी है दाने की कंगियारी। तो इस कंगियारी में जो रोगी दाने विकृत और भद्दे हो जाते हैं, जिनमें काले रंग का पाउडर होता है। इसकी रोकथाम के लिए बीज को 2 ग्राम एमिसान प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचार कर लेना चाहिए। एक और बीमारी है लाल धब्बे का रोग। पत्तों के ऊपर टेढ़े मेढ़े लाल भूरे रंग के धब्बे जो है इस बीमारी से पड़ जाते हैं। इसके इलाज के लिए जमीन की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाएं और खेत में से बरू घास नष्ट कर दें, क्योंकि ऐसा देखा है बरू घास जो है ज्वार में ज्यादा होती है। तो ये ध्यान रखते हैं कि बरू घास को खेत में ना होने दें फसल में। अब कुछ उपाय इसके जो है इसकी उपज ज्यादा बढ़े इसके भी थोड़े उपाय हम बताते हैं। तो इसके लिए जो है जमीन की जलवायु के अनुसार उपयुक्त किस्म बोएं, खेत की अच्छी तैयारी करें और बताई गई खाद की मात्रा का प्रयोग करें, बिजाई सही ढंग से करें और पानी जो है आवश्यकता अनुसार दें। हानिकारक कीड़ों और बीमारियों की समय पर रोकथाम करें। तो यदि इन जानकारियों का आप अपने खेतों में प्रयोग करेंगे तो ज्वार की चारे वाली फसल की आप अच्छी पैदावार ले सकते हैं। तो इसी के साथ आप सभी को धन्यवाद।